और बात करेंगे धमतरी की, जहां मानव अधिकार विकास परिषद ने मत्स्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बिलाई माथा मैदान पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी के बाद भी दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि 23 जुलाई को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिषद ने मत्स्य विभाग के सहायक संचालक और निरीक्षकों पर दस्तावेजों में कूट रचना कर करोड़ों रुपए की राशि के गबन का आरोप लगाया है और अन्य मांगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए परिषद के पदाधिकारी ने कार्रवाई की मांग की है। के लिए 10-10 हज़ार अकाउंट में आएंगे ऐसे करके, और हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं ना, तो हम डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद हम लोग कोई चीज़ का पता नहीं चला। तो अभी जो हम धर्म साहू जी है वो जांच पड़ताल किए और हमारे गांव में जाकर के पूछ परख किए, वो बता रहे थे कि आप लोग के अकाउंट में 10 हज़ार रुपये आ चुका है। हम लोग बोले कि हमारे अकाउंट में अभी तक 10 हज़ार नहीं आया। मछुआरों को नाव जाल के लिए 10 हज़ार देना है तो शासन के रिकॉर्ड में 10 हज़ार जरूर दिया है, लेकिन मछुआरों को नहीं मिला है। मछुआरे के उसके अकाउंट में डाला है 10 हज़ार, लेकिन डला नहीं है, ऐसा शासन को रिकॉर्ड सौंपा गया है। तो ऐसा झूठा मतलब दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तत्काल मत्स्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को चारियों पर रिपोर्ट दर्ज कर उन पर कार्यवाही करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में फिर अनिश्चितकालीन धरना की ओर अग्रसर होंगे, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होता तो फिर और उग्रवाद आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। जाल के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अंकुर तिवारी जुड़ गया है। अंकुर, क्या है ये गबन का पूरा मामला? धमतरी में मानव अधिकार विकास परिषद ने ये धरना प्रदर्शन किया है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और जो मछुआरे हैं उनकी उनका पैसा गबन करने का आरोप है और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों पे FIR करने की मांग की गई है, लेकिन उनकी मांग पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच भी नहीं हो रही है और इससे लोग नाराज हैं। जी, और अगर इस गबन की बात करें तो अंकुर, ये कितना पुराना है और इसको लेकर जिम्मेदारों से, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, क्या कुछ कहना जिम्मेदारों का? किसी तरह की जाँच होगी? जांच की बात तो अधिकारी कर ही नहीं रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है और लोगों को सिर्फ कागजों पर पैसा दिया गया है, उनके हाथ में पैसा नहीं दिया गया और ये पैसा अधिकारियों ने गबन किया है ऐसा आरोप लगाया गया है और इसमें जांच कर FIR की मांग की गई है। लेकिन जो जिम्मेदार अफसर हैं वो कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और इस पे मौन हो गए हैं। जी बिल्कुल। अंकुर, हमारे साथ में जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं मानव अधिकार परिषद से, धर्म साहू जी। धर्म साहू जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही धर्म साहू जी? बोल रहा हूँ जी। धर्म साहू जी, मुझे लगता है आपके संज्ञान में होगा, धमतरी से मामला सामने आया है, मछली पालन के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, इस तरह का आरोप लगा है जिम्मेदारों पर, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है धर्म जी? जी धर्म जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। धमतरी से मामला सामने आया है जहां पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है जिम्मेदारों पर, मछली पालन का ये पूरा मामला है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने शिकायत किया है जिला कलेक्टर माननीय महोदय के पास जी, और शिकायत कर जांच करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैंने शिकायत किया है जी। तो कलेक्टर से आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कब तक इस पर कार्रवाई होगी? उनको जवाब के लिए भेजे हैं ऐसा उनका कहना है जी। डिप्टी कलेक्टर हैं जी, पुर्रे जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमने जवाब के लिए भेजा है करके, उसके बाद उसको रिमांडर भी कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने जवाब उनको दे दिया है जी। धर्म जी, आप बहुत करीब से इस पूरे मामले को जानते हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बताएं कि ये क्या है मामला और किस तरह से गमन किया गया है।
ये ऐसा है जैसे शासन के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजना चलाते हैं जी, शासन जी, तो उस योजना के अंतर्गत मछुआरों को विभिन्न तरह के लाभ मिलना रहता है जी। तो वो जो लाभ जो है जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं कि नाव जाल योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्तिगत मछुआरों को सोसाइटी के मछुआरों को जी देना रहता है 10,000 रुपया जी, कि वो नाव जाल लेना करके। अब वो नाव जाल इन लोग के लिए 10,000 रुपया तो अकाउंट में डाले हैं, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ स्टेट बैंक है, उसका नंबर है, उस व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस खाते में पैसा 10,000 डाला नहीं जी। हाँ, जैसे कि ट्रेनिंग में जाते हैं मत्स्य विभाग के द्वारा ट्रेनिंग, बिल्कुल धर्म साहू जी, हमारे संज्ञान में भी ये मामला आया है कि 10,000 रुपए के जो है उस पर एंट्री भी हुई है पर उनके खाते में नहीं पहुंचा है। तो बिल्कुल आपसे भी मैं यही जानना चाहती थी और बिल्कुल हमारी भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अगर कहीं भी फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।